हाँ वीडियो बनाना उचित नहीं है ना ठीक है आगे से ध्यान आप डालोगे कहीं ना कहीं नहीं नहीं डालेंगे आपने कह दिया हम नहीं डालेंगे तो उसमें क्या है कि कहीं अधिकारी के पास पहुंचेगा और देखेगा कहाँ का है लिखा है नहीं डालेंगे चले, आपने कह दिया हम नहीं डालेंगे हम कुछ और ले लिखते हैं कुछ कैमरा टेस्टिंग करते हैं गए इस फोन की कैमरे की काफी तारीफ सुनी है चलिए आपको कुछ मैं रियलिस्टिक फोटोज दिखाता हूँ अभी सामने एक ट्रेन आ रही है देखते हैं कि मूविंग ट्रेन की फोटोज कितना परफेक्टली कैप्चर कर पाता है वीडियोस कैसे आते हैं तमाम चीज चेक करते हैं अभी मैक्सिमम जूम करते हैं लेट्स सी कि वीडियो में आप कितना जूम कर सकते हैं क्या ये ट्रेन क्लियरली विजिबल है कि नहीं है वैसे इंजन इसका बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन क्वालिटी ऑफ कोर्स यहाँ पे ख़राब हो जाएगी बिकॉज़ कोई भी यहाँ पे टेलीफोटो लेंस नहीं दिया गया है सो आई थिंक नियरली फोर टू फाइव टाइम्स तक क्वालिटी ठीक आ रही है उसके नीचे बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं आ रही है अभी एक पहली शॉट लेते हैं इस इंजन की

उसके अकॉर्डिंग मोबाइल फ़ोन्स और स्मॉल डी कैमरा लाइक जो हम लोग यूज़ करते हैं ना बड़े वाले नहीं जो आते हैं छोटे मोटे लेके आप कहीं भी स्टेशन पे वीडियोस फोटोज़ बना सकते हैं अगर वो नॉन कॉमर्शियल है अब उन लोगों से भी देखा नहीं जाता है ना कि बंदा आ रहा है पैसे कमा रहा है गाड़ियों से चल रहा हम रात दिन वहाँ डंडा लेके ड्यूटी कर रहे हैं तो तो खुंदस में आ जाते हैं इसीलिए खैर आगे से मैं ध्यान में रखूँगा सो so, ये जो फ़ोन है वीवो वी ट्वेंटी फाइव इस फोन को मैं तीन चार दिन से यूज कर रहा हूँ तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में फुल रिव्यू बताता हूँ कुछ ना कुछ कौन सा तो होते हैं अभी गाइज मैं ट्रैक पे चल रहा हूँ लेट्स यहाँ पे ओ कितना बेटर काम करता है अभी ये फोर के थर्टी फेम पर सेंड है तो ऑफकोर्स फोर के थर्टी में ना स्टेबुलेशन बहुत अच्छा काम करता है सी अगर आप इस पर ट्रैक पे चलेंगे भी ना तो भी आपका स्टेबुलेशन बढ़िया काम करेगा अब मैं इसको फोर के सिक्सटी में स्विच करता हूँ अब देखिए अब मैं फोर के सिक्सटी में हूँ तो ऑफकोर्स यहाँ पे ओ वाई एस उतना बेटर नहीं काम करेगा मूविंग वीडियोस के लिए तो थर्टी सही है अगर आप स्टिल बनाते हैं लाइक like अगर आप जैसे स्टिल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं देन फोर के सिक्सटी इज़ गुड ज़्यादा फ़ोन लैग भी नहीं आई मीन ज़्यादा शेक भी नहीं करता है और आप बढ़िया क्वालिटी की वीडियोज़ बना सकते हैं सी गाइस इस फोन से वीडियो क्वालिटी फ्रंट से कैसी आ रही है यहाँ पे सेल्फी का काफ़ी कहा जाता है एंड uh, अभी यहाँ जस्ट फुल एच है नॉट श्योर sure, अगर सेल्फी एक्सपर्ट है तो फुल एच के बजाय फोर के थर्टीज होना चाहिए जैसे सैमसंग प्रोवाइड करती है स्टिल लेट्स सी क्वालिटी कैसी है सो so, पीछे का आप देखेंगे डिटेल जब अच्छा विजिबल है नॉट बैड मेगा पिक्सल ज़्यादा है तो फेस पे डिटेल भी ठीक है एंड uh, शर्ट का कलर भी ठीक आ रहा है बिहाइंड शेडोज़ में डिटेल भी ठीक आ रही है थोड़ा मैं टर्न करता हूँ जिस साइड यू नो सूरज की लाइट पड़ रही पीछे एंड नाओ uh, इस केस में ठीक है सेल्फी अच्छी आ रही है राइट यू कैन सी डायरेक्ट सन मेरे पीछे है बट डिटेल्स ठीक आ रही है कोई भी चीज ब्लोन आउट नहीं हो रही है सिया सेल्फी एक्सपर्ट तो ये बट ओनली कौन से कॉपी फोर अब चलिए गए इसको जो स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं ढेर सारे फ्लावर्स लगे हैं देखते हैं ब्राइट कलर्स कैसे कैप्चर हो रहे हैं इस फोन से फोटो की क्वालिटी कैसी आ रही है अब यहाँ पे फिफ्टी मेगा पिक्सल नहीं दिया गया दैन सिक्सटी फोर दिया गया है जो कि थोड़ा सा पुराना हो गया फिफ्टी ज़्यादा बेटर है बट स्टिल इट्स ओके okay. अभी ये नॉन सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल कैसी है अब यहाँ पे फिफ्टी मेगा पिक्सल नहीं यूज़ किया आगे राधा दैन सिक्सटी फोर लिया गया तो उसके आपको कुछ कॉन्स पता पताए फिफ्टी मेगा पिक्सल है ना उसमें फ़ोटोज़ बहुत ब्राइट आती हैं यहाँ पे जैसे अभी मैंने डायरेक्ट सनलाइट में भी लिया है हल्की सी शेडोज है ना तो देखेंगे डिटेल थोड़ी सी मिस हो जा रही है सो so, ये सीन रहेगा सेम ऑब्जेक्ट अगर आप सीधे सनलाइट फेसिंग भी लेंगे तो बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी यहाँ पे आ रही है कम्प्लीटली नेचुरल है सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल थोड़े से शैलोज में देन ओके okay, डिटेल है हल्का सा जूम करेंगे आप देखेंगे सुपर डिटेल नहीं मिल रही है आई I मीन mean, अच्छी है बट इससे अच्छी मिल सकती है अब सेम फोटोग्राफ मैंने ब्राइट लाइटिंग कंडीशन ली है अब यहाँ पर अल्ट्रा वाइट टेस्ट करते हैं अभी देखिए ये मेन सेंसर है उससे मैंने फोटोग्राफ ली है राइट अब इसी का मैं अल्ट्रा वाइट लिया तो आपने देखा हल्की सी डिटेल यहाँ पे मिस हो गई बिकॉज एट मेगा पिक्सल है सो नॉट सुपर क्रेजी यहाँ पे टू मेगा पिक्सल का मैक्रो दिया गया है अभी ये मेन कैमरे से मैंने लिया है अब मैंने यहाँ पे मैक्रो ऑन किया तो क्लोज तो आप जा सकते हैं लेकिन जस्ट टू मेगा पिक्सल है तो आपने देखा होगा कि कलर थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन से हल्का सा ब्लैक ज्यादा हो गया है और कलर भी थोड़े से फेड से हो गए हैं एंड कुछ सेल्फी सैंपल्स से, हैं सेल्फी मुझे इस फोन की अच्छी लगी लाइक फोटोज आप देख सकते हैं अच्छी आ रही है आपको ब्यूटिफिकेशन ऑफ करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट ब्यूटिफिकेशन ऑन रहता है तो वो आपको ऑफ करना पड़ेगा थोड़े से लो लाइट में जाते हैं देन यहाँ पे भी क्वालिटी ठीक है बट स्टिल अगर थोड़ी सी आपको लू लाइट की ज़्यादा प्योरिटी ना लाइक हल्के से आप डार्क में या थोड़ी सी आर्टिफिशियल लाइट में फोटोग्राफ्स लेते हैं तो ना आपको सोनी एम एक्स सेवन डबल सिक्स प्रीफर करना चाहिए कंप्लीट टू लाइट में भी इस कैमरे की परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक लगी नथिंग बैड अच्छा है तो इन द कैमरा समरी में ये अब जैसे कंपनी ने कहा है लाइक प्रोफेशनल फोटोग्राफी तो उस सेंस में तो क्लियरली जस्टिफाई नहीं करता देखिए फोटो अच्छी आ रही है ऐसा नहीं आ रही है अच्छी नहीं आ रही है बट इससे बढ़िया सेंसर्स मिल रहे हैं जो थोड़े से बेटर फोकस करते हैं जिसमें शार्पनेस डिटेल थोड़ी बढ़िया आ रही है मैं एक्जैक्टली सोनी एम एक्स की बात कर रहा हूँ तो ठीक ठाक है अदर टू कैमरेज यहाँ पे वेस्ट काइंड ऑफ है वो कंपनी को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देना चाहिए था इस प्राइस में आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं तो मैं आपको एक कूल cool चीज़ दिखाता हूँ रिमेंबर वीवो वी ट्वेंटी थ्री जिसमें यू नो जो राइट ग्लास था जो कलर चेंज करता था वेल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है अगर हम वीवो की साइड पे जाते हैं ना अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना ये जो आप देख रहे हैं ये जो कलर चेंज हो रहा है अभी जैसे डार्क ब्लू है अब ये आ गया लाइट ग्रीन फ्लोराइड ए जी ग्लासिंग अब एक्जैक्टली मैं काफ़ी परेशान हुआ उस डिज़ाइन को चेंज करने के लिए फिर मुझे समझ में आया कि आपको एक्चुअली मेरी एक यू वी लाइट चाहिए होगी तब आप थोड़ा बड़ा ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर वैसे इफेक्ट देखना चाहते हैं ना तो आपको बहुत स्ट्रॉग लाइट सोर्स चाहिए होगा बट चूँकि इंटेंसिटी बहुत ही कम है ना तो ज़्यादा आप यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएंगे तो यही मेन खेल है अगर आप ऐसे कुछ बच्चों वाला खेल खेलना चाहते हैं ना लाइक मैजिकल इंक बच्चों को दे दीजिए उसमें वो छोटे में भी सीढ़ी लिखने और फिर पेपर की जरूरत ही नहीं है इसमें जरा सा भी फिंगरप्रिंट्स नहीं लग रहे हैं और थोड़ा सा ये स्लिपरी फीलिंग ज़्यादा दे रहा है जो ट्रेडिशनल ग्लास होते हैं ना जैसे कि ये मी ट्वेल्व लाइफ में देखें ये थोड़ा सा चिकना ज्यादा होता है यहाँ पे देख सकते हैं मस्त सतरंगी कलर बदल रहा है तो ये कलर चेंजिंग ग्लास रियल भी हुआ अब इसका फायदा क्या अब आपको यूवी लाइट लेके के टहलना पड़े तब वो चेंज करे ओप्पो रेनो सेवन प्रो में एक्सैक्टली सेम डिजाइन था अब सेम डिजाइन यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है व्यू में ओप्पो वाले ने फ्लैट डिस्प्ले लगा दिया तो उन्होंने सोचा घर का सामान है इधर उधर कहीं लगा देते हैं एनी वेज चौक से पार्ट फोन दिखने में क्लासी है कैमरे का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा एक्साइटिंग है देखिए अटेंशन टू डिटेल्स जैसा बैक पैनल है कैमरे की जो रिंग है ना वो आप देखेंगे एक्जैक्टली exactly इस पैनल से मैच कराई गई है अगर मैं आपको कुछ और कैमरा लेंस दिखाऊं, या तो ऐसे फ्लैट कैमरा हाउसिंग होती है या एक सिल्वर कलर दे दिया जाता है या कम्प्लीटली ब्लैक दे दिया जाता है या ऐसे कुछ मैचिंग दी जाता है एन इवन यहाँ पर जो मेटल का फ्रेम दिया गया ना वो भी एक्जैक्टली exactly बॉडी से मैच है फॉर द लॉकिंग यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि काफ़ी फास्ट है पोजिशन थोड़ी सी नीचे है बट जो भी है दैट्स ओके okay. डफोन जैक बॉक्स में कोई भी आपको कनेक्टर नहीं मिल रहा है ऑन दी टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल फोटोग्राफी लेस्ट ऑपर दी डिस्प्ले गाइज ये थोड़ा सा एक्साइटिंग है फर्स्ट ऑन दिफिकेशन ये आपका कर्ड एमलेट डिस्प्ले है और सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स इंचज का है एच डी आर टेन प्लस भी सपोर्ट करता है ऑफकोर्स हमें कोई भी डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं देगा जो आपको पोको फोन में मिलता है यहाँ पे एच डी आर टेन प्लस दिया गया लेकिन ये हेने ट्वेंटी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और जो पीक ब्राइटनेस है वो थर्टीन हैनी डेट्स की अभी मैंने मैक्सिमम ब्राइटनेस पर रख रखा है और डिस्प्ले इसका काफ़ी ब्राइट है और बढ़िया है लेकिन जो मेन एक्साइटिंग फीचर ऑफ कोर्स इस डिस्प्ले की है वो इसके कर्व एजेस के फीचर है अगर आप गैलेक्सी नोट सीरीज चला रहे हैं सीरीज चला रहे हैं ना देन ऑफ कोर्स आपको एक डिस्प्ले के मजे तो आते होंगे जैसे कि जेस्चर्स हैं आप स्वाइप करेंगे ना तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है कवर डिस्प्ले में लेकिन एक ड्रॉबैक आप ऑलरेडी जानते हैं तो इवेंचुअली एग्जैक्ट व्यूंग डिस्प्ले होता है वो थोड़ा सा कम होता है बिकॉज कर्व में ना थोड़े से वहाँ पर लाइट के रिफ्लेक्शन ज़्यादा आते हैं लेकिन प्रीमियम होता है दिखने में सो so, डिस्प्ले इसका काफ़ी परफेक्ट है वन ऑफ़ द रेयर काइंड जब आपको इस प्राइस में मिल रहा है सो दैट्स ऐ गुड पार्ट चलिए इनसाइड चलते हैं गाइस एंड बात करते हैं अदर फैक्टर्स की फर्स्ट अबाउट फोन डिवाइस एट प्लस एट यहाँ पर वर्चुअल है काफ़ी ज़्यादा दिया गया है और डेमेस्टिक थर्टीन हंड्रेड यहाँ पर दिया गया है एंड वाइड है ऑफ कोर्स सो आपको तेरह चौदह में मिलना चाहिए एंड सिक्योरिटी पैच कुछ लेटेस्ट टाइप की होनी चाहिए एंड अबाउट दी सॉफ्टवेयर यहाँ पे एक्फ्रास में क्या है बहुत सारे हैं फंट टच वैस चलता है तो आप जानते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर दूँ नाउ ओके okay. अब आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे एक्स्ट्रा अप्प्लीकेशन आपको मिलेंगे जैसे कि डेली हंड एमओ जी स्पॉटीफाई शेयर चैट बाई जूस जोश लिंक इन फेसबुक स्नैपचैट नेटफ्लिक्स हाँ एक सांस में तो नहीं बोल पाया वीवो यहाँ पे कुछ हॉट ऐप्स गेम्स थे जो मैंने डिसेबल कर दिए हैं बाकी गूगल के अप्लीकेशन मिल रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा मैंने इंस्टॉल किए जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी एंड ऑफ कोर्स एन टू टू बेंच मार्क सी पी थॉटिंग ये सारी चीज़ें नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस कैसी है अब यहाँ पे एग्जैक्टली न्यू सी पी नहीं है हमने वन प्लस नॉट टू टी देखा है उसमें भी सेम सी पी है फर्स्ट प्राइज हम क्विक बेंच मार्किंग कंपेरिजन करते हैं डेमेंस टी थर्टीन हंड्रेड को अगर हम कंपेयर करें लाइक डेमेंस ट्री एटी वन हंड्रेड आप देख सकते हैं स्नैप ड्रैगन एट सेवेंटी देख सकते हैं स्नैप ड्रैगन ट्रिपल एट देख सकते हैं और स्नैप ड्रैगन एट प्लस जेन वन भी देख सकते हैं तो नंबर टर्म्स में देखा जाए तो ये एक्जैक्टली exactly क्लोज आपका आ रहा है स्नैप ड्रैगन एट सेवेंटी के लेकिन परफॉर्मेंस आपकी सुपर कूल प्रायोरिटी है ओनली प्रायोरिटी है देन तो कोर्स आपको के फिफ्टी आई या ट्रिपल एट वाले फ़ोन पे जाना चाहिए ये तो काफ़ी कम प्राइस में है लेकिन ट्रिपल एट के फ़ोन आपको लाइक आई क्यू नाइन एस सी आसानी से मिल सकता है इस प्राइस सेगमेंट में देखिए वैसे ये फ़ोन यूज़ करने में मुझे ऐसा नहीं लगा कि फास्ट नहीं है आज जैसे एक होता ना कि एकदम सुपर परफॉर्मेंस एक होती है अच्छी परफॉर्मेंस एक होती है लाइक ओके लाइक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस एवरेज कह सकते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है एकदम सुपर सुपर वाले सीपीयू यू लाइक एटी वन हंड्रेड और ट्रिपल एट हैं जो कि इससे कम प्राइस में भी आपको मिल सकते हैं तो मोस्ट ऑफ दी टास्क के लिए ये यू अच्छा है लेकिन जो चूजी लोग होते हैं ना जिनको एकदम सुपर परफॉर्मेंस चाहिए तो उनके लिए थोड़ा सा कभी कभी डिसअपॉइटमेंट हो सकता है वैसे स्पीकर मैं आपको ज़्यादा इसके दिखाऊंगा नहीं सैंपल मुझे इसके स्पीकर एवरेज ही लगे दो प्रॉब्लम फर्स्ट यहाँ जस्ट सिंगल बॉटम स्पीकर दिया गया कोई भी डिबुल स्पीकर कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आई थिंक आजकल कॉमन हो गया लाइक शॉमी के फ़ोन्स में आप देखेंगे बीस हज़ार में बहुत ही सुपर फास्ट लाउड स्पीकरस मिल जाते हैं सेकेंड प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कस्टमैच नहीं दिया गया है लाइक नो डॉलपेड फोन या हरमन कार्डन कुछ नहीं है जस्ट स्टैंडर्ड स्पीकर दिए गए हैं सो ज़्यादा गेमिंग या ज़्यादा म्यूज़िक म्यूज़िक्जॉय करना चाहते हैं ना विद दी स्पीकर तो यहाँ पे आपको उतना बेटर एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा एट द एंड गाइज अबाउट दी बैटरी बॉक्स में आपको 66 सिक्स वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है अडाप्टर भी दिया गया है एंड जो कैपेसिटी है आई बिलीव फोर एट थ्री जीरो मिलियम से कंपनी ने ऐसा कहा है कि अराउंड थर्टी मिनट में आप उसको सेवेंटी परसेंट के अराउंड चार्ज कर सकते हैं पंद्रह मिनट में चालीस परसेंट कर सकते हैं मैं आपको चार्जिंग टेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज टेस्ट वेरी करता है अगर मैं सॉकेट वो सब लगाता हूँ ना तो रिजल्ट डेफिनेटली वेरी कर जाते हैं तो सुपर फास्ट चार्जिंग नहीं है बट बठह आधे घंटे में आप कंप्लीट डे यूज़ लेंगे मेरे तीन दिन यूसेज में जो मेरा स्टेस्ट एक्सला है वो ये कि ये, कि ये कम्प्लीट वन डे फ़ोन है क्योंकि नियर फाइव थाउजेंड की बैटरी है और अगर आप ऑटो स्विच पे लगाते हैं ना यू लाइक रिफ्रेश रेट तो थोड़ी बढ़िया बैटरी मिलती है सुबह में चार्ज करता हूँ तो शाम तक आते थे तो मुझे पंद्रह बीस परसेंट आराम से बच जाता है थ्री डेज यूज़ करने में मुझे बैटरी नियर ऐसी मिली मैं इसको तीन बार फुल चार्ज कर चुका हूँ आज फोलते हैं तो आप कंप्लीट वन डे मान लेंगे मिक्स टू हैवी यूसेज की बात कर रहा हूँ सो इन दस समरी में guys, कैसा लगा ये फ़ोन देखिए लुक्स नोडोटस फ़ोन के अच्छे हैं कुछ फीचर्स यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं लाइक सेल्फी काफ़ी कूल है एंड uh, डिस्प्ले भी इसका थोड़ा सा अलग टाइप का है परफॉर्मेंस भी इसकी डिसेंट कह सकता हूँ मैंने आपको पहले बता रख्टरनेट्स आप क्या क्या देख सकते हैं एंड uh, मुझे लगता है थोड़ा सा ये तो प्राइसियर है अगर आपको सेम स्पेक्स का ही फ़ोन लेना है लाइक सेम सी पी लेना है तो आप वन प्लस नॉट टू ले सकते हैं आप अच्छा खासा पाँच छः हज़ार रुपये बचा सकते हैं आपको थोड़ा सा बेटर कैमरा मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा सेम सी मिल जाएगा यस डिस्प्ले आपको थोड़ा सा आपको कर्व टाइप का नहीं मिलेगा तो उसी बात क्या मुझे लगता है एक्स्ट्रा पैसे आप पे कर रहे हैं बाकी आप विवो का फोन चलाते हैं तो आप वीवो के फोन एक्सचेंज रेट करेंगे तो आपको बेटर डील मिल सकती है ये थे, थे गई मेरे थाट्स विद था वीवो वी ट्वेंटी फाइव प्रो नो आपके क्या थाट्स हैं इस फोन को लेके दिस इज होप यू एंजॉय हैप्पी बर्थडे चलने देना